टीटू निकलेगा बापूजी की फैमिली के लिए, हुक्म का इक्का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजु शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज बा और बापूजी का सीन देखा, मजेदार सीन था, अच्छा सीन था, इसमें कोई बुराई नहीं है। बा को अगर हम बाकी सब सीन से डिलीट कर दें तो ये एक बुजुर्गों का एक अच्छा सीन था, जिसमें लकी कार्ड उनके हाथ में आता है जो है हुक्म का इक्का। तो बात करते हैं इस हुक्म के इक्के के बारे में। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो टीटू और अनुपमा की बातें हुई, इधर बापू जी और बा की भी बातें हुई। बापू जी और बा अपना बुढ़ापा आराम से काटना चाहते हैं, मगर आराम कहाँ होता है। बा ने जो बात कही मैं उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। बा जो कहती है कि ज्योतिषी ने ये कहा था ऐसा होता है वैसा होता है, मैं यहां पे ये कहती हूं कि वैसे मैंने बहुत बार कहा है, आप लोगों ने सुना भी है, कि जब तक आप खुद को नहीं बदलते हो आप किसी भी जगह चले जाओ, आप अपना माहौल वैसा ही रखोगे जैसा आपने अपने अंदर रखा हुआ है। बा कलेशी है, बा ताने मारती है, बा किसी का अच्छा तब तक नहीं सोचती है जब तक उसमें उसका अपना अच्छा ना हो। तो ऐसा इंसान अमेरिका में रहे, इंडिया में रहे या चांद पे रहे, वो इंसान अपने इर्द गिर्द अच्छाई बुन ही नहीं सकता है। इसीलिए बा को जब ये समझ में आएगा तो ही समझ में आएगा कि अमेरिका हो या इंडिया, जब तक मैं नहीं बदलती मेरा माहौल नहीं बदलेगा। तो ये जो बा ने कहा उसमें मैं यही कंक्लूड कर पाई कि ये जो कह रही है ये इसको समझना पड़ेगा। खैर ये सीन अच्छा गया, हुक्म का इक्का मिला, मतलब बापूजी ने कहा कि अब हमारी किस्मत बदलने वाली है, चलो हम किस्मत बदलते हैं। तो दोनों हाथ पकड़ के निकल गए, बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छा लगा सीन। दूसरी तरफ अनुपमा और टीटू बैठे हैं और टीटू जिस तरह से बात कर रहा है उसमें अनुपमा ने जो कहा, जो आश्वासन टीटू दे रहा है, कहीं ना कहीं ये आश्वासन अनुपमा पहले भी सुन चुकी है। अनुज जैसा इंसान जब ये बैगेज नहीं ढो पाया जो इतने प्रॉमिसेस करने के बाद घुटता रहा इन बैगेजेस में, तो अनुपमा को डर लगेगा ही लगेगा कि जब रियलिटी में ये आता है, बोलने में आसान है, जब रियलिटी में ये आता है तो जब अनुज जैसा इंसान थक सकता है तो तुम भी थक सकते हो टीटू, तुम भी कल को डिम्पी को ये बात बोल सकते हो। मगर टीटू की डिटर्मिनेशन बहुत अच्छी है, टीटू आज जो बात कर रहा है उसमें काफी कुछ ठीक लग रहा है। और साथ में जो उसने कहा कि मैं आपसे क्यों ना सीखूं, क्योंकि मैं वनराज को क्यों देखूं, मैं आपको क्यों ना देखूं, बहुत सही था, ये कन्वर्सेशन चली। बाकी वनराज ने आके जो रायता फैलाना होता है वो फैलाया, मगर एक चीज यहां पे क्लियर है क्योंकि अभी अनुपमा का बोलना वहां पे बाकी है कि ये टीटू ही है बापूजी के हाथ में जो हुक्म का इक्का है, यही बदल सकता है। क्योंकि टीटू ना सिर्फ शाह परिवार में डिम्पी से शादी करना चाहता है बल्कि उनका बेटा बनना चाहता है, समर की जगह लेना चाहता है। तो जब ये समर इनकी जिंदगी में आएगा, क्योंकि टीटू की सारी आदतें समर से मिलती हैं, तो फिर हुक्म का इक्का तो समर बनेगा ही बनेगा, चाहे बाद में समर से यानी कि टीटू से तोशु को जलसी हो, पाकी को जलसी हो वगैरह वगैरह, मगर ये टीटू वाकई में वनराज शाह का बोझ कम करने में सहायक बन सकता है, शाह फैमिली का बोझ जो उन्होंने खुद ही बढ़ाया हुआ है उसको कम करने में सहायक बन सकता है। क्या कहते हो आप, इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.